देखिए साथियों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अमीर खुसरो। लौकिक साहित्य में ही अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत बढ़िया टॉपिक है। और इस टॉपिक से या अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य से जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इसके क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को पूरा का पूरा अमीर खुसरो, एक भी पॉइंट यहाँ पर आपको मैं नहीं छोड़ूंगा साथियों। अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। आप लोगों का यही प्यार हमें मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, देखते हैं। अमीर खुसरो जो है उनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में हुआ और 1312 विक्रम संवत की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब जन्म स्थान की बात करेंगे तो एटा जिला है और गांव है इसका पटियाली। एटा जिला जो यूपी में पड़ता है और गांव है पटियाली। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो है 1324 में, यानी कि 1381 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो मूल नाम है वो तो है अब्दुल हसन या फिर अबुल हसन। ये जो मूल नाम है ये आप लोगों को याद रखना है भाई, इनका मूल नाम क्या रहा है, या तो अब्दुल हसन या फिर अबुल हसन, पेपर में एक ही पूछा जाएगा। इसके बाद में इनको जो उपाधि मिली है वो कुसरो शुकन, इनकी इनको उपाधि दी गई है कुसरो शुकन। ये उपाधि 12 वर्ष की जब इनकी उम्र थी उस समय ख्वाजा इज्जुद्दीन ने ये उपाधि इनको दी थी साथियों। आगे है इनका जो उपनाम है वो है तोताए हिंद या हिंदुस्तान की तूती। तोताए हिंद या हिंदुस्तान की तूती इनका उपनाम है। और आपकी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो है अमीर खुसरो का उपनाम क्या है, या अमीर खुसरो को किस नाम से जानते हैं, या तोताए हिंद या हिंदुस्तान की तूती के नाम से किसको जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है, आपको इसमें दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है। या फिर अमीर खुसरो के गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है अमीर खुसरो के गुरु का नाम, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा यार। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम है, आसानी से याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, खालिक बारी, मुकरिया, दो सूखने, नजराने हिंद, और इसके बाद में पहेलियां, गजल, नूह सिपर और हाल ही कन्हैया। ये 8 रचनाएं इनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती है, तो आप लोगों को इनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में इनके मुख्य मुख्य पॉइंट है साथियों, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। ये देखिए, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले पहले कवि कौन है, अमीर खुसरो है। इसके बाद में इन्होंने दिल्ली में जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, तीनों शासन को देखने वाले पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो याद हो जाएगी ये बातें, तो याद रखिएगा, खड़ी बोली काव्य रचना करने वाले पहले कवि कौन है, अमीर खुसरो। तीनों का शासन देखने वाले, यानी कि तीन वंशों का शासन देखने वाले पहले कवि कौन है, अमीर खुसरो। किस किस का शासन देखा, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का और तुगलक वंश का साथियों। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अमीर खुसरो का जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, मूल नाम, उपाधि, उपनाम, गुरु, देखो पॉइंट में लिखा है हर चीज को। आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर कि मैं किसको कैसे याद करूं, तो आसानी से आप लोग इसको याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी गई है, उसके बाद में इनकी विशेषताएं लिखी गई है। इस तरह से आपको पूरी की पूरी चीजों को याद करना है साथियों। सितार व तबले के आविष्कारक रहे हैं, जो अमीर खुसरो है वो सितार के और तबले के क्या माने जाते हैं, आविष्कारक माने जाते हैं साथियों। ये बात भी आपको याद होना चाहिए, अमीर खुसरो जो है सितार और तबले के भी आविष्कारक माने जाते हैं। आगे है जो खालिक बारी जो इनकी रचना थी, हम लोगों ने इनकी रचनाओं के बारे में देखा कि ये रचनाएं इनकी रही है, देखा था ना, तो खालिक बारी इनकी जो रचना है वो एक शब्दकोश मानी जाती है। जो खालिक बारी जो रचना है उसको क्या गिना जाता है, एक शब्दकोश में गिना जाता है साथियों। तो याद हो जाएगा यहाँ तक की बात, जिसमें तुर्की, अरबी, पारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया बात है कि जो खालिक बारी है जो रचना है उसको शब्दकोश माना गया है, इसमें तुर्की, अरबी, पारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है।
और ये जो रचना है, इस रचना में जो है गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान के उद्देश्य से लिखी गई। ये जो रचना है वो गयासुद्दीन जो तुगलक हैं उनके पुत्र को भाषा ज्ञान करवाने के लिए इस रचना को लिखा गया है। साथियों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रचना के बारे में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है, इसमें किन भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये रचना किसके लिए लिखी गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान करवाने के लिए इस रचना को लिखा गया था, इतना आप लोगों को इसमें याद करना है। आगे है अमीर खुसरो एक कव्वाली के जनक माने जाते हैं। कव्वाली के जनक जो है सबसे पहले किसको माना गया है, अमीर खुसरो को माना गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर सितार और तबले के आविष्कारक किसको माना गया, अमीर खुसरो को माना गया। कव्वाली का जनक किसको माना गया, अमीर खुसरो को माना गया। तो साथियों ये चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, हो जाएगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आसानी से। अब नूहा सिपर ये भी एक रचना थी, हम लोगों ने जब अमीर खुसरो की रचना पढ़ी थी उसमें ही रचना के बारे में जानकारी ली थी कि ये रचनाएं हैं। तो नूहा सिपर जो रचना में भारतीय बोलियों के विस्तार का वर्णन किया गया है, जो नूहा सिपर जो रचना है उसमें भारतीय जो बोलियां हैं उनका पूरा विस्तार पूरा वर्णन किया गया है। किस रचना में, नूहा सिपर रचना में, जो अमीर खुसरो की रचना रही है। साथियों अब आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो को हिंदू और इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। जो अमीर खुसरो है वो हिंदू और इस्लाम दोनों की जो समन्वित संस्कृति है उसको मिलाने का जो काम किया है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया, इसका प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है अमीर खुसरो। किसको, अमीर खुसरो। इसके बाद में है ब्रज और अवधी, ब्रज और अवधी को मिलाकर के काव्य रचना करने का जो आरंभ है वो भी सबसे पहले किसने किया था, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ब्रज और अवधी दोनों को मिलाकर के काव्य रचना, जिसके द्वारा सबसे पहले प्रथम काव्य रचना करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, अमीर खुसरो को दिया जाता है। साथियों फिर आगे है बात करते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्धि पहेलियों के कारण इनको मिली थी। पहेलियों, एक पहेलिया इनकी रचना भी रही है और पहेलियों के कारण इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में बहुत सारी पहेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सारी पहेलियां हम लोग लिखेंगे। तो अमीर खुसरो को सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली है वो पहेलियों के कारण भी मिली है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा सबसे पहला कवि किसको माना गया, अवधी का पहला कवि किसको माना गया है, वो है हमारा अमीर खुसरो। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। सितार और तबले का आविष्कार किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। खालिक बारी कौन सी रचना एक शब्द कोश में गिनी जाती है, किसके लिए लिखी गई थी, ये जो है गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान करवाने के द्वारा लिखी गई थी। इसमें तुर्की अरबी फारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो को जो है कव्वाली का जनक माना जाता है, ये भी क्वेश्चन है। नूहा सिपर रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में हिंदू और इस्लामी समन्वय संस्कृति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। ब्रज और अवधि को मिलाकर के जो है रचना करने वाले प्रथम कवि जो है वो कौन थे, अमीर खुसरो ही थे। इसके बाद में सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको पहेलियों से मिली और उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि भाषा में रचना करने वाला पहला कवि माना है। किसको, अमीर खुसरो। किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। साथियों तो ये पूरा का पूरा जो ब्रिप है ये अमीर खुसरो का है, अभी इसमें और भी है जो हम देखते हैं। देखिए आगे, यह आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो अमीर खुसरो है वो आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले क्या माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। साथियों तो यह सबसे मुख्य बात है, एक तो बहुत मनोरंजक पूर्ण इन्होंने साहित्य लिखा, इसके जो कवि हैं वो अमीर खुसरो को बहुत बढ़िया कवि माना जाता है, एक मनोरंजक पूर्ण काव्य लिखने वाले। अब प्रसिद्ध कथन क्या रहा है अमीर खुसरो का, बहुत बढ़िया कथन है और ये कथन अनेक बार पूछा गया है,
इस कथन से अनेक बार क्वेश्चन आता है साथियों। देखिएगा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। बहुत प्रसिद्ध कथन है, याद रखना, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। आगे है, अमीर खुसरो हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन। अमीर खुसरो जो रचनाएं हैं, हिंदी रचनाएं हैं, उनका प्रथम संकलन जो रहा है वह है जवारे कुश रवि। क्या रहा? जवारे कुश रवि। ये इनकी पहले हिंदी की जितने भी रचनाएं हैं उनको संकलन इसमें किया गया था, ठीक है, नाम दिया गया। निजामुद्दीन ओलिया, आप सबको पता है निजामुद्दीन ओलिया की कब्र पर अमीर खुसरो के द्वारा जो शब्द, अंतिम जो शब्द इन्होंने बोले थे निजामुद्दीन ओलिया की कब्र पर जाकर के, वो कौन से शब्द रहे? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आ पड़े, रेन भरी चौदेश। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, ये शब्द किसने कहे? अंतिम शब्द थे ये, निजामुद्दीन ओलिया की कब्र पे जाकर के इन्होंने ये शब्द कहे थे, तो किसने कहे थे? अमीर खुसरो ने कहे। किसके लिए कहे थे? निजामुद्दीन ओलिया के लिए कहे। इस तरह से आप लोगों को याद करना है, मेरे हिसाब से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अमीर खुसरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। आगे है, अब इनकी प्रसिद्ध पहेलियां रही हैं, इन पहेलियों को आप लिखिएगा अपनी नोटबुक में और एक एक पहेली के बारे में याद रखिएगा कि ये पहेली किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली गिरे, मोती उससे एक न गिरे। इतनी बढ़िया बात लिखी है। अगली पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप थाल को खाए, सूखे ताल सांप मार दिया। देखिए किस तरह की पंक्तियां, अरत तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। बढ़िया बढ़िया पंक्तियां लिखिए। तरवर से एक त्रिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आगे, खीर पकाई जतन से, चरखा चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, बेटी तू ढोल बजा है। इतनी बढ़िया पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये अमीर खुसरो के बारे में लिखी गई पूरी की पूरी जो है पहेलियां हैं, आप लोगों को मजा आएगा जब इन पहेलियों को आप पढ़ोगे। तो अमीर खुसरो के बारे में ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे जाकर के इन्होंने क्या लिखा, तो ये पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई, बोली गई अंतिम पंक्तियां थी, गोरी सोवे सेज पर, किसके लिए? निजामुद्दीन औलिया के लिए। किसने? अमीर खुसरो ने। और मनोरंजन को साहित्य आदि काल में लिखने वाले जो कवि हैं वो भी अमीर खुसरो ही रहे हैं, और ये प्रसिद्ध कथन इनका है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये पंक्ति जबरदस्त पंक्ति है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। साथियों इनकी और भी जो है और भी पहेलियां हैं, इन पहेलियों के बाद में और भी पहेलियां हैं जो मैं बोल करके आप लोगों को सुना रहा हूं। एक तो है, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों, ये पहेली भी बहुत बार पूछी जाती है, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा जब इन पहेलियों को लिखो तो, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों, तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। वह आवे तब शादी होए, वह आवे, ये मैंने 6 नंबर के बाद में 7 नंबर के पहले बोली है, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों, ये 7 नंबर के पहली। अब 8वें नंबर के मुख्य पहेलियों की बात कर रहा हूं, 8वें नंबर की, वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। आहा क्या जबरदस्त बात कही है, वह आवे तब शादी होए और उस बिन दूजा न कोई, बताइए कितनी बढ़िया बात है। फिर आगे 9वें नंबर की पहेली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी बहुत अच्छी पहेलियां हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, सारी पहेलियों के बारे में जानकारी आपको, यहाँ बहुत सारी पहेलियां लिखी इन्होंने तो वो नहीं आती है, जो मेन मेन है वही आती है। तो मीठे लागे वाके बोल, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सकी साजन ना सकी ढोल, क्यों सकी साजन ना सकी ढोल, इस तरह की पंक्तियां इनकी रही है, ये पहेलियां बहुत अच्छी पंक्तियां हैं
और ये पहेलियां आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी, एक एक थोड़ा थोड़ा, एक एक लाइन की आधी आधी लाइन पे अगर याद हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा यार ये पहेलियां किसकी है। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रीफ है मैंने अमीर खुसरो के बारे में आपको दिया है साथियों। मेरे हिसाब से अमीर खुसरो में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो अमीर खुसरो को आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता हो, आरएसओ आईएसओ कुछ भी हो, मतलब जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है और अमीर खुसरो को पूछा जाता है तो इससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा साथियों। तो साथियों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो साथियों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ये आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन का कार्य करता है साथियों। दिल से बता रहा हूँ साथियों आपको बहुत अच्छा लगेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा इतिहास अच्छे से करवा रहा हूँ साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।